तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर ये आपके चैनल पे 3 बार स्ट्राइक आ जाती है तो समझो आपका चैनल खत्म, टाटा बाय बाय आपका हो जाएगा, यूट्यूब आपका चैनल सस्पेंड कर देगा, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो अगर यूट्यूब की तरफ से एक बार आपका चैनल सस्पेंड कर दिया जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है वापस आना। तो आपको ये बारीकी से मैं आज आपको समझा दूंगा कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है। तो सभी कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन किस किस वजह से आ सकती है और कम्युनिटी गाइडलाइन कहां से आपको मिलती है। देखो, और सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो होती है वो YouTube की तरफ से दी जाती है, और ये रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2022 के आपको जो रूल्स होने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के, वो आपको बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारे रूल होने वाले हैं, तो सारे के सारे आपको बताऊंगा एक एक करके, कौन सी वीडियोज आपको डालनी है, कौन से लिंक्स आपको डालने हैं, किस तरीके आपको वीडियो डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता लगेगी। तो इसीलिए बोल रहा था भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपको सभी कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस उससे पहले रिक्वेस्ट है, जल्दी से बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से अगर मैं आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है। सबसे पहले तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको पता चल गया कि YouTube की तरफ से ये दी जाती है, जो कि YouTube के रूल के खिलाफ जो भी जाता है उसको ये स्ट्राइक यहां पे मिल जाती है। लेकिन ये बात आती है कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हमें किस किस वजह से मिल सकती है और किस किस वीडियो पे मिल सकती है, फिर हम जो हमने यहां पे गलत काम किया उस पे YouTube स्ट्राइक दे सकता है। तो मैं सबसे पहली जो यहां पे पॉइंट रखना चाहूंगा, काफी सारी चीजें होने वाली, तो सबसे पहली बात बताना चाहूंगा कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन, अगर आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो वो चैनल आपके चैनल पे 90 दिन तक पड़ी रहती है, और अगर आपको 90 दिन के अंदर ही उनमें एक और आ जाती है तो भी आपके यहां पे सबसे पहली जो स्ट्राइक आएगी उसमें आपके YouTube काफी सारी चीजें बंद कर देगा, जैसे कि आपकी लाइव स्ट्रीम बंद कर देगा, कुछ और फीचर्स, या फिर आपको दूसरी यहां पे एक और यहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई 90 दिन के अंदर, और उन्हीं 90 दिन के अंदर अगर एक और स्ट्राइक आ गई तो आपको यहां पे जो YouTube आपके क्या करेगा और यहाँ पे बंद कर देगा, मतलब 14 दिन के लिए आपके जो यहाँ पे और यहाँ पे बंद कर देगा कि आप लाइव स्ट्रीम वगैरह आपके बंद कर देगा, शायद वीडियो डालने का अपलोड नहीं कर पाओगे, आपकी बहुत सारे फीचर्स जो यहाँ पे स्टोरी वगैरह बहुत सारी जो पोस्ट करोगे बहुत सारे फीचर्स आपसे ले सकता है YouTube। तो मतलब अगर 3 आ जाती है तो 3 आते ही तो चैनल सस्पेंड खत्म हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं उसके बाद आप कर पाओगे। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, भाई यहाँ पे सभी कुछ बता देता हूँ आपको। भाई देखो, सबसे पहली बात आती है, अगर आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो आप उसे हटा भी सकते हो। लेकिन हम मैं बताना चाहूंगा उससे पहले कि भाई ये आती क्यों है। सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, अगर यहाँ पे आप अपना यूट्यूब चैनल है और उस पर वीडियोस डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और जो आप उस पर थंबनेल बना रहे हो, अगर आप उस थंबनेल पे जो आपका यूट्यूब का वीडियो जो आपने बनाया है उसके अगर थंबनेल पे आपने कुछ गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर सेक्सुअल कंटेंट है, फिर यहाँ पे अडल्ट, मतलब जो फोटो खुले फोटो लगा दिए यार, मतलब बहुत सारी चीजें आपने गलत यहाँ पे थंबनेल पे लिखी हुई है, या फिर आपने गलत वर्ड्स यहाँ पे थंबनेल पे यूज करे हैं, तो उसकी वजह से आपको YouTube की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस जो स्ट्राइक है वो दी जा सकती है। तो ये पता चलेगा आपको। दूसरी चीज यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे काफी सारी वीडियोस अपने यहाँ पे YouTube चैनल पर डाल रखी हैं जो कि बहुत सालों से आपके पास पड़ी हुई हैं, जैसे कि 1-2 साल से आपके पास पड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ पे YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ वीडियो है, जो कि रूल के खिलाफ है YouTube के, तो उस पर भी आपको यहाँ पे जो 1 साल पहले पड़ी है, आपकी 2 साल पहले पड़ी है, उस पर YouTube, अगर आप YouTube की नजर पड़ी तो अभी भी YouTube उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। मतलब YouTube के नजर में जभी भी आएगी, जभी भी उसको मिल जाएगी, मतलब चाहे वो आपकी वीडियो 3 साल से चल रही हो, चाहे 4 साल से चल रही हो, उस पर कभी भी YouTube की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, अगर वो YouTube के रूल के खिलाफ है। तो दूसरी चीज ये बता देता हूँ, देखो यार, अगर यहाँ पे आप YouTube पे फेक व्यूज लाते हो, मतलब जैसे कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप व्यूज ला रहे हो, या फिर आप कहीं और से, मतलब जो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गई, या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट, मतलब बहुत सारी चीजें जिस तरीके से हम Instagram के फॉलोअर वगैरह आप बढ़ा लेते हो कहीं कहीं से, इसी तरीके से अगर आप अपने YouTube चैनल पे गलत तरीके से व्यूज लाते हो, या व्यूज सब्सक्राइबर, या फिर जितनी भी थर्ड पार्टी के भाई हो, टास्क करो इतना आपको सब्सक्राइबर इतने व्यूज मिल जाएंगे, उसकी वजह से भी आपको फेक व्यूज जो आए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं, उनकी वजह से भी आपको यहाँ पे YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, तो उसकी वजह से भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आप YouTube वीडियोज को डाउनलोड करना सिखाते हो, जैसे कि कोई भी वीडियो हो गई YouTube के बारे में, और आप अपने उसी पे YouTube में बता रहे हो जो अपने वीडियो बनाई है कि भाई आप YouTube की वीडियो डाउनलोड कैसे कर सकते हो, इस तरीके से आप कुछ सिखा रहे हो, उस पर भी आपको स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे जो है
किसी ऐसी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कि सिखा रहे हो कि भाई यहाँ से YouTube वीडियो डाउनलोड कर लो, या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हो, इस तरीके की जो एप्लीकेशन है, मतलब जो जहाँ से आप कुछ ऐसा सिखा रहे हो कि भाई डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो कि भाई जिसके एप्लीकेशन से आप यहाँ पे कुछ हैकिंग कर सकते हो, या फिर आप जो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखा रहे हो, या फिर उनके बारे में बता रहे हो जो यूट्यूब के खिलाफ है, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे यूट्यूब स्ट्राइक, जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, मिल सकती है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आप जो है यूट्यूब के चैनल, अगर देखो यार आपकी जैसे मेरा चैनल है, अगर आप मेरे चैनल के जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम चैनल बनाते हो तो आपको उसकी वजह से भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है, क्योंकि आपने यहाँ पे मेजर मेरा चैनल है भाई, आपने सेम यहाँ पे लोगो कॉपी कर लिया, सेम नाम रख लिया, सेम अपने यहाँ पे चैनल आर्ट लगा दिया, सेम आप उठा के मेरी वीडियोज ही अपने चैनल पे डाल लियो, मतलब सेम टू सेम अगर आपने कर लिया बिल्कुल एक जैसा जो यहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी जाएगी। तो भाई जो आपकी वीडियो है, जो आपने वीडियो डाली है, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में आप गलत से गलत लिंक्स डालते हो, जैसे कि कोई भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया और वो जो लिंक पे क्लिक करके वो जा रहा है पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे, या फिर कोई ऐसी जो अडल्ट एप्लीकेशन होती है उनका एप्लीकेशन का डाल दिया है जो यूट्यूब के खिलाफ है, मतलब पॉलिसी के, तो जितने भी मतलब यहाँ पे अडल्ट कंटेंट हो गया उसका लिंक हो गया, फिर पोर्नोग्राफी वेबसाइट का लिंक हो गया जो यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है लिंक, अगर आपने कुछ ऐसे लिंक्स अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आप जो आपने यहाँ पे वीडियो डाली है उसमें गलत टाइटल, गलत टैग्स, गलत डिस्क्रिप्शन, मतलब मिसलीडिंग आप करते हो, मतलब जैसे हमने कोई डाली तो कहीं और की वीडियो है लेकिन थंबनेल कुछ और है, टाइटल कुछ और है, डिस्क्रिप्शन कुछ और है, इस तरीके से अगर यहाँ पे आप स्पैम वाला काम करते हो, जैसे कि टाइटल में मिसलीडिंग करते हो, कुछ भी आप लिख देते हो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखते हो, टैग्स कुछ लगाते हो, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आप किसी को फेक स्ट्राइक देते हो, कोई भी फेक स्ट्राइक देते हो जिसके चैनल पे, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। लेकिन अगर सामने वाला यहाँ पे प्रूफ कर देता है कि भाई यूट्यूब को बताता है कि ये फेक स्ट्राइक मुझे मिली है, तो वो उस फेक स्ट्राइक की वजह से जो आपने उसको स्ट्राइक दी थी उसकी स्ट्राइक तो हट जाएगी, प्लस आपको उल्टी एक यूट्यूब यहाँ पे स्ट्राइक दे देगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन ने आपको यूट्यूब की तरफ से एक स्ट्राइक दे दी जाएगी अगर सामने वाला प्रूफ कर देता है कि ये फेक स्ट्राइक है, तो इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो भाई लोग, अगर आप किसी ऐसी एप्लीकेशन की वीडियो बना रहे हो जो यहाँ पे पहले स्टोर पे नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप है, और उसमें यहाँ पे कंटेंट जो आपका वो पोर्नोग्राफी वाला है, या फिर आपकी जो एप्लीकेशन बता रहे हो जिसको आप प्रमोट कर रहे हो या रम्मी वाली हो गई, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन हो गई जो यहाँ पे जिसमें आपको बैटिंग वगैरह करनी सिखाते हो, यहाँ पे मतलब जो सट्टा वगैरह लगता है, या फिर बहुत सारी जो ऐसी एप्लीकेशन होती है, अगर आप उनका यहाँ पे प्रमोशन करते हो, उनकी वीडियो बनाते हो, उनको यहाँ पे दिखाते हो अपनी वीडियोज में और वो यूट्यूब की नजर आ जाता है, तो आपको उसके लिए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा, क्योंकि यहाँ पे रम्मी वाली जो एप्लीकेशन होती है, फिर जितनी भी यहाँ पे बैट वाली होती है, या फिर पोर्नोग्राफी कंटेंट वाली हो गई, ये हैकिंग वाली हो गई, उनके लिए भी आपको यहाँ पे यूट्यूब जो यहाँ पे अगर आप उन्हें प्रमोट कर रहे हो, बता रहे हो कि कैसे क्या होता है, उसके लिए भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी जाएगी। तो भाई लोग, अगर आप यूट्यूब पे जो यहाँ पे सेक्सुअल यहाँ पे वीडियोज, या फिर जो यहाँ पे कुछ ऐसे फोटोज, या फिर कुछ इस तरीके की वीडियो बना के यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करते हो, तो वो आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, या फिर आपने गलत यहाँ पे पॉर्न वगैरह यहाँ पे उसमें आपने टाइटल वगैरह में लिख दिया है, उसके लिए भी आपने कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो सेक्सुअल कंटेंट है आप इस तरीके से अपने चैनल पर डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, उसके लिए भी क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी जाएगी। तो भाई लोग, अगर आप अपनी वीडियोज में आप गाली वगैरह देते हो, या फिर आप हेट स्पीच वाली जो वीडियोज होती हैं, या फिर आप किसी की गाली की वीडियोज डाल रहे हो, हेट स्पीच वाली वीडियो डाल रहे हो, उसको भी YouTube नहीं रखता है, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो भाई लोग, अगर आप यहाँ पे YouTube पे जो है यहाँ पे इंजरी वाली, एक्सीडेंट वाली, या फिर जो यहाँ पे कुछ इस तरीके जो जिसमें खून खराब है दिखा रखा हो, या फिर कोई किसी को मारते हुए, मतलब इस तरीके की YouTube पे अगर आप वीडियो डालते हो, उसको भी YouTube यहाँ पे, वो भी YouTube के पॉलिसी के खिलाफ है, इसके लिए भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। प्लस अगर यहाँ पे आप जो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट अपनी वीडियोज में शो करते हो जो इनलीगल है प्रोडक्ट, अगर आप उन्हें शो करते हो, दिखाते हो अपनी वीडियोज, उसके लिए भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो भाई लोगों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है यहाँ पे कोविड चल रहा है, तो अगर आप कोविड से रिलेटेड कोई यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में बताते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। मतलब यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप अपनी यहाँ पे टाइटल में हैक लिख दिए, हैकिंग लिख सकते हो कि भाई ये चीज हैक कैसे करें, उसके लिए भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आप अपनी वीडियोज में पूरा ये सब कुछ सिखा रहे हो कि भाई हैकिंग कैसे करते हैं, या फिर इस एप्लीकेशन से आप ये वगैरह कैसे कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो YouTube के रूल के खिलाफ जाती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन किस तरह जो है खिलाफ जाती हैं, तो आपको ऐसे काम नहीं करने YouTube पे जिसकी वजह से आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिले,
और आपने जितनी यहाँ पे सारी मेहनत की है यूट्यूब पे वो सारी आपकी बर्बाद हो जाए। तो आप अगर आपने कुछ ऐसी वीडियोस डाल रखी हैं तो आप उनको अभी हटा सकते हो और क्योंकि उस पर कभी भी यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। तो भाई लोग अपनी यूट्यूब वीडियोस में जो अपना जो यहाँ पे गलत सलत जो यहाँ पे अपना टाइटल टैग्स वगैरह थंबनेल वगैरह ये मत लगाया करो या फिर सेक्सुअल कंटेंट मत डाला करो क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है और उसकी वजह से आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आपको यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन अभी स्ट्राइक मिल जाती है तो सबसे पहले तो यूट्यूब अभी जो यहाँ पे सीधा सीधा चैनल पे एक वार्निंग देता है। सबसे पहले आपको चैनल पे एक वार्निंग आती है, उस वार्निंग आने के बाद अगर आप जब जो आपने वीडियो डाली वो वीडियो हटा देगा यूट्यूब। प्लस अगर आपकी वो वीडियो सही है तो अपील करोगे तो वो वार्निंग आपकी जो यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वार्निंग आई है वो हट जाएगी। उसके बाद वार्निंग आने के बाद यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से आपको स्ट्राइक आती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एक स्ट्राइक आएगी जिसमें आपको काफ़ी सारा कुछ बंद हो जाएगा, 90 दिन तक रहेगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। तो तीन अगर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको मिल जाती है तो आपको जो यहाँ पे आपका जो चैनल है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और बंद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने कुछ समझाया, सभी कुछ बताया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो आपको मुझे लगता है सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का काम आपको नहीं करने है, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। और अभी सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा तो बस यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट ला के देता रहूँगा। थैंक यू।